मित्रों, असफलता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप असफल ही हैं, क्योंकि इसका मतलब केवल इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। और मित्रों, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता भी नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम डी नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम डी नाम वाले लोगों की संक्षिप्त में ये चर्चा करेंगे कि डी नाम वाले कैसे होते हैं, और उसके बाद डी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। डी नाम वाले लोग काफ़ी रोमांटिक स्वभाव के होते हैं और बिना स्वार्थ के किसी से रिश्ता निभाते हैं। ये लोगों पर जल्दी भरोसा करने से डरते हैं। ये अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी भावुक सोच भी रखते हैं, इसलिए कई बार जब इनका सपना टूटता है तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के होते हैं और निस्वार्थ स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा कुछ पाने की उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करते रहते हैं। बहुत ही दयालु होते हैं, कलात्मक होते हैं, सहज होते हैं, सौम्य होते हैं, बुद्धिमान और मधुर होते हैं। और इनको कई बार अकेले रहना पसंद होता है, सोना पसंद होता है, संगीत, रोमांस, आध्यात्मिक विषय, ये सभी इनको बहुत प्रिय होते हैं। भावनात्मक तो होते ही हैं। डी नाम वाले लोगों में बहुत ही कलात्मक प्रतिभा भी होती है। और डी नाम वाले लोग अपने साथी की परवाह करने वाले होते हैं, वफादार होते हैं। और ये जो डी नाम वाले लोग होते हैं, बहुत ही सज्जन किस्म के होते हैं और पार्टनर के लिए बिना शर्त उदार होते हैं, भावुक प्रेमी होते हैं। प्रेम और रिश्ते के मामले में डी नाम वाले ईमानदार और परवाह करने वाले तो होते ही हैं, हमेशा अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। और हमेशा उदार और काम आने वाले लोग होते हैं। मित्रों की ज़रूरत को हमेशा अपनी ज़रूरत समझते हैं और डी नाम वाले परिवार के लिए समर्पित होते हैं। हमेशा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। काल्पनिक होते हैं, रचनात्मक कौशल से आगे बढ़ते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं और समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं। और अगर डी नाम वाले एक बार किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए होता है। इसलिए आपके संबंध आपके मित्रों के साथ भावनात्मक संबंध बन जाते हैं। सौंदर्य रोमांस की दुनिया में रहते हैं। कल्पनाशीलता बहुत प्रखर होती है और इनका घर परिवार जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने धन को भी बहुत देखभाल कर खर्च करते हैं। और जो डी नाम वाले लोग हैं, भावुक हृदय वाले होते हैं। अपनी बात कहने से पहले दो बार सोचते हैं। जिंदगी के प्रति अपना काफ़ी लचीला दृष्टिकोण रखते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए परिश्रम करते हैं और ये काफ़ी बुद्धिमान भी होते हैं। और अपने दिल की बात उससे ही कहते हैं जिस पर इनको एक बार विश्वास हो जाए। और ये अपनी मित्रता और वैवाहिक जीवन में सुरक्षा रखना पसंद करते हैं और अपने साथी के प्रति विश्वसनीय होते हैं और वैसा ही व्यवहार अपने साथी से चाहते हैं जैसा व्यवहार ये खुद करते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं डी नाम वाले लोग। चलिए डी नाम वाले लोगों के धन की बात करेंगे। सबसे पहले हम डी नाम वाले लोगों के धन की बात करें तो धन के मामले में डी नाम वाले लोगों को अप्रैल, मई और जून और जुलाई के महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो मई और जून के महीने में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। अप्रैल और मई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा धन और आय के मामले में, लेकिन आप ध्यान रखें कि डी नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने खर्चे बढ़े रहेंगे, यानी जितनी आपकी आय होगी खर्चों की अधिकता उससे ज़्यादा होगी। इसलिए आप अगर अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो धन और आय के मामले में डी नाम वाले लोगों को बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि चारों महीने आपको खर्चों पर नियंत्रण रखकर ही चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो धन और आय के मामले में आप अपने बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, तभी आप अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। और धन के मामले में अचानक हानि या अचानक लाभ के योग भी आपके बने रहेंगे।
चलिए बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। डी नाम वाले लोगों को व्यापार और नौकरी की बात करें, अप्रैल का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा और अप्रैल के बाद का जो समय होगा मई जून और जुलाई का, वहाँ पर भी आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में भी अचानक कोई ना कोई लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक कोई ना कोई हानि भी उठानी पड़ सकती है, कोई ना कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको वाणी पर भी संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, कारोबार करते हैं तो कारोबारियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। व्यापार कारोबार और नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है मई जून और जुलाई के महीने में, तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने के बाद ही अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर आपको थोड़ा सा संयमित रहना है, कोई भी विस्तार करने से पहले सोचना है, और कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो सोच समझ कर करें, नहीं तो वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा डी नाम वाले लोगों का, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। और मई जून और जुलाई के जो तीन महीने हैं, यहाँ पर आपको अपने पिता के साथ और अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे, वहाँ पर गलतफहमियाँ ना बढ़ें, वहाँ पर भी गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाना आवश्यक होगा और आपको अपने बड़ों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रखने के लिए आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिना रखे हुए संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। वाणी पर संयम रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, वाणी अच्छी नहीं रहेगी आपकी चारों महीने, यहां पर आपके शंकाएं बनी रहेंगी, परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां बनी रहेंगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। खासकर अप्रैल और मई का महीना इस मामले में ज्यादा अच्छा नहीं है, जून और जुलाई के महीने में परिणाम आपको अप्रैल और मई से ज्यादा अच्छे मिलेंगे, तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में भी आपको 15 मई तक का समय ऐसा है जब आपको स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखकर चलना होगा। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा, वहां पर समस्याएं बढ़ सकती हैं, और अगर समस्या नहीं भी है तो भी आपको स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में आपको अप्रैल और मई दोनों महीने सतर्क रहना होगा, और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना आवश्यक होगा। और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहे, स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही आपको अप्रैल और मई के महीने में नहीं करनी है। जून और जुलाई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, और फिर भी मैं यही कहूंगा, स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का खाना खाने से बचें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए अप्रैल का महीना बहुत बेहतर है, मई जून और जुलाई के महीनों में आप देखेंगे वहां पर आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, तो एकाग्रता बनाकर रखेंगे तभी अच्छा रहेगा। और अप्रैल तो अच्छा जाने वाला है, लेकिन मई जून और जुलाई के महीने में आप अगर एकाग्रता बनाकर नहीं रखेंगे तो शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए एकाग्रता बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। अप्रैल और मई का महीना बहुत रोमांस दिखाएगा, आप अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि वाद विवाद भी कर बैठेंगे, और अगर कोई वाद विवाद आपका चल रहा है पहले से तो वो अप्रैल और मई के महीने में आसानी से हल नहीं होगा। आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपको अप्रैल और मई के महीने में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जून और जुलाई का जो महीना है वहां पर आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ कोई ना कोई छोटी या बड़ी यात्रा आपकी हो सकती है, और वहां पर संबंध भी आपके मधुर रहेंगे। और अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत पक्की नहीं हो रही है तो 22 अप्रैल से पहले प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, और 22 अप्रैल के बाद भी सफलता मिल सकती है, लेकिन वहां पर ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, और वहां पर आपको गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये चार महीने कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपके मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है, और कुछ डी नाम वाले शादी के बंधन में भी इन चार महीनों में बंधेंगे, तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो डी नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध अप्रैल के महीने में बहुत बेहतर रहेंगे। 22 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, वहां पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और 22 अप्रैल के बाद का समय जो है प्रेम संबंधों के लिए, वहां पर आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। समय वहां पर आपका रोमांटिक रह सकता है, रोमांस रह सकता है, अगर नए प्रेम संबंध है तो रोमांस में अधिकता रह सकती है, लेकिन
ध्यान रखें कि अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो रोमांस तो रहेगा, लेकिन पुरानी बातों को लेकर गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप प्रयास करें कि 22 अप्रैल से पहले उसको सुलझा लें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल के बाद अगर प्रयास करेंगे तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, यानी साथी को ज़्यादा मनाना पड़ेगा। अगर कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं उसके लिए भी 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है, और 22 अप्रैल के बाद भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जैसा मैंने बोला है कि आपको प्रस्ताव देते वक्त भी अपने साथी को ज़्यादा मनाने की आवश्यकता होगी, तभी आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। अगर आप वाणी पर संयम रखते हैं, कोई भी शंकाएँ नहीं करते हैं, कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं, तो प्रेम संबंध फिर अच्छे रहने वाले हैं। तो डी नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि गुरुवार के दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें, प्रत्येक गुरुवार को करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।